बी क्लिनिक से, मैं डॉक्टर एसपी वर्मा। आज हम बात करेंगे उन पेशेंट से जो हमारे यहाँ से दवाई खाकर ठीक हो चुके हैं या जो पहले से दवाई खाकर बहुत हद तक उनको आराम है। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते, संतोष पासवान जी बात कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ। जी पासवान जी, मैं बी क्लिनिक से डॉक्टर एसपी वर्मा बात कर रहा हूँ। जी जी, आपका इलाज चल रहा था हमारे यहाँ से पाइल्स का? हाँ। जी जी, अभी कैसे हाल चाल है आपके? पहले से 70% तक सुधार है। चलिए ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, ये समस्याएं आपको कितने सालों से थी? ये हमको शुरुआत हुआ था लगभग 2010 के शुरुआत में हुआ था। 2010 के शुरुआत में हुआ था, यानी लगभग 14 सालों से समस्या थी, 14-15 सालों से। हाँ लगभग। अच्छा अच्छा, कोई खास दिक्कत भी, लेकिन इस साल लगभग अक्टूबर से जरा परेशानी हुआ। फिर मैं टाइम आया किया, फिर आपका ये मैसेज हमको चला, ये व्हाट्सएप पर चला, क्या बोलते हैं अपना फेसबुक देखा था, उसी के ऊपर आया है। फिर मैंने आपके यहाँ से सोचा कि आपके यहाँ से लेता हूँ। ठीक है जी जी जी, चलिए ठीक है। अभी दवाई लेते हुए आपको कितना समय हुआ है? चलिए ठीक है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट के दौरान आपके जो हेल्थ मैनेजर थे, समय समय पे कॉल करके आपका अपडेट लेते थे? ठीक है, सप्ताह में एक दो बार कॉल आया। जी जी जी, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं हुई दवाइयों के दौरान? अभी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी जो पहले हमेशा दर्द बना रहा था अंदर। हाँ 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 सर, वो दर्द तो अब लगभग नहीं है। अच्छा अच्छा, मैंने 15-20 दिन कभी हल्का होता है, लेकिन 1-2 घंटा में फिर आराम मिल जाता है। हाँ, लेकिन जब आदमी जब सुबह फ्रेश होता है, कभी फ्रेश होता है तो फ्रेश होने के बाद उसमें लगता है कि एक चलिए ठीक है। हाँ, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी जो समस्याएं बची हुई हैं 20-30% आपकी, ठीक है, शायद एक महीने दवाई और चले। ठीक है, ध्यान रखिएगा और आगे की दवाई अपनी ले लीजिएगा खत्म होने से पहले। ठीक है, ऑर्डर तो अभी लग गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात जी, ठीक हो जाएंगे। संतोष जी, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, सारी परेशानी आप हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है ठीक है पासवान जी, धन्यवाद आपका। आपको पेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की तकलीफ है, जैसे आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता है, सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता है, पाइल्स फिसर या फिस्टुला जैसी कोई दिक्कत है, या आपने इनसे जुड़ा हुआ कोई ऑपरेशन कराया है, उसके बावजूद अभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर एक बार आप हमारी टीम से संपर्क कर उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।